हाय वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू ऑल अबाउट दिस इज आदित्य आई होप आई मॉडेबल एंड विजिबल टू ऑल ऑफ यू क्लियर आवाज आ रही है मेरी सबको आ रही साउंड क्लियर है चलिए परफेक्ट स्टार्ट करेंगे सेशन को वेरी गुड मॉर्निंग साई साधना मधुरिमा अंबर हितेश बिष्णु प्रियंका विनय धीरज वेरी गुड मॉर्निंग और कौन कौन आ गया भाई सृष्टि गुड मॉर्निंग राघव संदीप मिस्टर वेरी गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गाइस चलिए सेशन पे मूव करते हैं फिर क्विकली ठीक है सिक्सटींथ ऑफ सितंबर करंट अफेयर्स वी आर गोइंग टू डिस्कस फिफ्टींथ के एमसीक्यूज देखेंगे और आज का करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे स्टार्ट करेंगे मॉर्निंग मोटिवेशन सेल्फ कॉन्फिडेंस इज द फाउंडेशन ऑफ ऑल द ग्रेट सक्सेस एंड अचीवमेंट एनी वन हैव इन देयर लाइफ कोई भी सक्सेसफुल पर्सन से आप मिलिए पहली और सबसे स्ट्रॉन्ग चीज आपको तो उनके पास मिलेगी दैट इज सेल्फ कॉन्फिडेंस दे आर कॉन्फिडेंट इनफ टू डू एनी थिंग ट्राई टू बी इन अ पॉजिटिव एनवायरमेंट ग्राई टू मोटिवेट योर सेल्फ ऑलमोस्ट ऑन अ डेली बेसिस की येस आई कैन डू इट एंड आई कैन डेफिनेटली एबल टू अचीव इट Try to say these things, these lines every night and every morning to yourself. So, in your journey, what, what I am going to do is in your RRBP or RRB clerk journey, on this Saturday at 11 a.m., we will have session of 1st to 15th of September Current Affairs MCQs. तो एक से पंद्रह सितंबर की करंट अफेयर्स के एमसीक्यूज हम सैटरडे को करेंगे इलेवन ओ क्लॉक पर टाइम याद रखिएगा नोट कर लीजिएगा एंड नेक्स्ट वीक वी हैव लॉट्स ऑफ सेशन टू बी प्लाड इन लाइन वन बाय वन बहुत सारे सेशन करने वाले हैं एक बैंकिंग अवेयरनेस का भी सेशन करूंगा इन द फॉर्म ऑफ एमसीक्यूज वन सेशन विल बी द मैराथन वन डे बिफोर योर एग्जामिनेशन अप्रोक्सिमेटली थ्री हंड्रेड क्वेश्चन आई एम गोइंग टू डिस्कस विद यू गाइज फ्रॉम द डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स टू कवर ऑलमोस्ट एवरीथिंग ठीक है प्लीज डाउनलोड द ऑलिबोर्ड डाउनलोड द ऑलिबोर्ड एप्लीकेशन सब्सक्राइब द ऑलिबोर्ड यूट्यूब चैनल इफ यू आर यॉचिंग इज फॉर द फर्स्ट टाइम डू नॉट मिस टू लाइक द सेशन डू नॉट मिस टू लाइक द सेशन इफ यू फील दैट द कंटेंट इज वर्थ होमवर्क के क्वेश्चन क्या थे आपके क्वेश्चन नंबर वन देखते हैं एन ईटीएम इन विच द कैश मैनेजमेंट एंड द कनेक्टिविटी ऑफ द बैंकिंग नेटवर्क इज प्रोवाइडेड बाय द स्पॉन्सर बैंक इज नोन एज such atms are known as brown-level atm. most of the public sector banks in india using the concept of brown-level atm to run their atm machines. they don't own atm. they take it on rent. the atm which is located inside the premises of bank branch is known as correct answer is on-site atm. next, that card issuing bank has to pay the compensation. ऑफ हंड्रेड रुपी पर डे इन केस ऑफ डिले मोर देन फाइव वर्किंग डेज टू रिजॉल्व दस्टमर रिजोल्यूशन रिलेटेड विदड्रॉल एक ग्राहक ने एक कस्टमर ने एटीएम से फंड्रॉल किया है इफ फंड इज नॉट विद्रॉल अमाउंट इज डिडक्टेड दैट अमाउंट हैज बी क्रेडिटेड बैक विद इन टी प्लस फाइव डेज टी प्लस फाइव डेज मीन ट्रांजेक्शन डे प्लस फाइव डेज में वो अमाउंट वापस क्रेडिट करना जरूरी है बैंक के लिए अगर नहीं कर पाता है देन इन दैट केस बैंक हैज टू पे द हंड्रेड रुपी कंपनसेशन पर डे टू तो द कस्टमर बियॉन्ड टी प्लस फाइव डेज आई होप द पॉइंट्स आर क्लियर टू ऑल ऑफ यू गाइस ठीक है चलिए आंसर्स देख लेते हैं किन किन के आए थे अंशिता मैम गुड इवनिंग गुड इवनिंग जय हिंद मैम ब्राउन लेवल ए डिफाइन किया इन्होंने ऑन साइट

आफ्टर दैट मिहिर गुंजन स्नेहा सृष्टि प्रियंका गली एंड हरिका एवरी वन पर अलॉट विनय पूछ रहे हैं वॉट इज वर्क साइट एटीएम विनय ऐसे ए टी एम्स ना जो कि आपके किसी यूनिवर्सिटी कैंपस में या फिर डिफेंस कैंपस में या किसी आई टी इंडस्ट्री के आई टी कंपनी के कैंपस के अंदर

नेक्स्ट होमवर्क फॉर टुमारो कल के लिए होमवर्क ले लीजिए क्वेश्चन नंबर वन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ इंडियन कॉल मनी मार्केट ध्यान से पढ़ना फिर आंसर करना थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इन्वेस्ट एक्सक्लूसिवली इन द गवर्नमेंट सिक्योरिटी दैट हैव नो रिस्क ऑफ डिफॉल्ट इनमें से कौन सा ऐसा फंड है जो सिंपली गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करता है डिफॉल्ट के चांसेस नहीं होते हैं नेक्स्ट है हु प्रेजेंटेड इंडिया फर्स्ट एवर बजट इंडिया का सबसे पहला बजट किसने प्रेजेंट किया था दैट इज वॉट द सिंपल क्वेश्चन स्ट्रेटिक का क्वेश्चन एक पिक कर लिया था मैंने एक्चुअली आगे मूव करते हैं सो गाइज द ऑफ पीडियशन विल बी अवेलेबल इन द टेलीग्राम ग्रुप ऑफ आदित्य सर यू गाइज कैन सर्च जीए जीनियस इन द टेलीग्राम टू ज्वाइन द ग्रुप and get all the pdf from this group sorry pdf of with group se mil super elite which is the best which is the best package to join on the hollywood platform because all the mock test uh, practice test sectional test they are included into it plus the live classes and the advantage of aditya this three advantage maximum discount point one aditya sir as a mentor point two and third one paid tna in

आदित्य कोड विल वर्क फॉर 45 परसेंट फ्लैट ऑफ ऑन लोगों के लिए the ऐसा करने वाला हूं एट ओ क्लॉक पे स्टार्ट करके एट थर्टी पे फिनिश करूंगा सो दीपल आर कमिंग आफ्टर एट थर्टी उनको लाइव ना मिले सेशन मतलब बहुत से स्टूडेंट एट थर्टी के बाद आते हैं

डब्ल्यू पी आई इन्फ्लेशन वॉज थर्टीन पॉइंट नाइन थ्री इन जुलाई टू थाउजेंड ट्वेंटी टू डब्लू पी आई डेटा कंपाइलिक प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन क्या करेक्ट आंसर बन रहा है यहां पर सर कल का मैंने मैंने कर दिया अभी चेक किया मिस्टर किंग आई जस्ट चेक एंड अपलोडेड दैट इज देयर नाउ यू कैन डाउनलोड इट ठीक करेक्ट आंसर इज ऑनली टू पॉइंट नंबर टू इज करेक्ट फर्स्ट वन इज रॉन्ग थर्ड वन इज रॉन्ग पहला गलत है तीसरा गलत है

दिस मिनिस्ट्री डेटा ऑफ सीपीआई ये सीपीआई का डेटा इश्यू करते हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इश्यू करते हैं ठीक है आगे आ जाओ डब्ल्यूपीआई इन्फ्लेशन इंडिया की अगर हम बात करें डब्ल्यूपी एट परसेंट मेम में एट पॉइंट एट होना चाहिए कुछ गड़बड़ी हो गई यहां पर यहां से उठाओ ये वाले छोड़ो डेटा यहां से उठाओ करेक्ट so, पॉइंट आपका क्या बन रहा है यहां पर जून मंथ में आपका था 15.5 परसेंट जुलाई में 13.93 पॉइंट 13.93 परसेंट और अगस्त में आपका इन्फ्लेशन रहा है 11 अगस्त में आपका इन्फ्लेशन रहा है अगस्त मंथ 12 पॉइंट ट्वेल्व पॉइंट पॉइंट फोर वन परसेंट मेरे को वन फोर याद आ रहा था ट्वेल्व पॉइंट फोर वन परसेंट ट्वेल्व पॉइंट 41 तो ये आपके पास डेटा रहा है ठीक फिफ्टीन पॉइंट एट एट था जून का पक्का जून का बोल रहे हैं डब्ल्यू पी आई डेटो ना फिफ्टीन पॉइंट वन एट चलो एक बार चेक कर लेंगे कल मैंने डेटा शेयर तो किया था ना टेलीग्राम पे एक बार, एक बार बार चेक करके बताओ वहां से कल मैंने डेटा शेयर किया था अपने ग्रुप पर एक बार वहां से चेक करके बताओ फटाफट से जब तक नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं ठीक है एक बार फटाफट चेक करके बताओ कल मैंने डेटा टेलीग्राम पे शेयर किया था विद द पीआईबी स्क्रीनशॉट। कंसीडर द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द रिटेल इन्फ्लेशन इन ऑगस्ट 2022। रिटेल इन्फ्लेशन इन ऑगस्ट India's retail inflation has increased up to 7% in August 2022 from 6.7%, .7 71 in July 2022 due to higher food prices. The price has, the RBI has maintained the inflation forecast for 2022 23 at 6.7%. And the base year of CPI is 2011 12. What are the correct chances? Acha 5.18. जून का है फिफ्टीन पॉइंट वन एट परसेंट सो फिफ्टीन पॉइंट वन एट परसेंट जून का डेटा हो गया ठीक है चलो परफेक्ट ठीक है प्रियंका थैंक यू थैंक यू मिस्टर आगे आ जाए हां इसका आंसर क्या बनेगा फर्स्ट वन करेक्ट सेकेंड वन करेक्ट थर्ड रॉन्ग है वाई सीपीआई बेस ईयर इज टू थाउजेंड ट्वेल्व कैलेंडर ईयर लगता है आपका सीपीआई में दिस इज द बेस ईयर ऑफ डब्ल्यू पी आई आपके डब्ल्यू पी आई का बेस ईयर है राइट इलेवन ट्वेल्व यहां पर आपके पास डेटा है जून में, 01%, में 7.1 पॉइंट वन परसेंट जीरो वन परसेंट जुलाई में 6.71 पॉइंट सेवन वन परसेंट और अगस्त में आपका आ गया 7 परसेंट अगेन तो ये आपका फॉलो करने का यहां तक का नीड नहीं है लास्ट थ्री मंथ्स का डेटा हमको कवर कर लेना है ठीक है सो सीपीआई बेस इू थाउजेंड ट्वेल्व सी एस ओ इश्यूज द डेटा दीज टू डेट दीज टू पॉइंट आर इंपॉर्टेंट डब्ल्यू पी आई डेटा इश्यूज बाई इकोनॉमिक एडवाइजर dp dipp ministry of commerce and industry total number of goods are total number of products are 697 and base year is 2011 12 base year is 2011 12 next question senior diplomat cb george has been appointed as the next india's ambassador to which of the following country india K ambassador which of the following country correct answer is japan tokyo is the capital yen is the currency इज़ द करेंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ जापान नेक्स्ट यहां पर लिस्ट है आपके पास हाई कमिश्नर्स का ऑल दो वी है न्यू अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया इंडिया के नए अटोर्नी जनरल कौन अपॉइंट हुए द पोजीशन ऑफ अटोर्नी जनरल इज डिफाइंड अंडर विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दूसरा क्वेश्चन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कौन से आर्टिकल में डिफाइन है बताइएगा फटाफट से चलिए तो मुकुल रोहतगी करेक्ट है फोर्टींथ अटोर्नी जनरल ऑफ इंडिया मुकुल रोहित सर्व द फोर्टींथ अटोर्नी जनरल ऑफ इंडिया के के वेणुगोपाल वॉज द फिफ्टींथ वन एंड मुकुल मोर रोहतगी विल बी रीअपॉइंटेड एज द सिक्सटींथ अटोर्नी जनरल ऑफ इंडिया तो ये वापस से सिक्सटींथ अटॉर्नी जनरल वापस अपॉइंट होंगे ठीक है सेप्टेंबर के के वेणुगोपाल सर टर्म विल बी ओवर Mukul Rohatgi sir has already served. He has already served from two thousand fourteen to two thousand seventeen on the position of Attorney General of India. The position of Attorney General is defined under Article seventy-six of Indian Constitution, right? Article seventy-six of Indian Constitution was defined. The. Defined it? आपके केकु, केके वे, में. मुकुल रोहतगी सर देन के वेणुगोपाल सर बैक टू मुकुल रोहतगी सर दिस इज वॉट दिक्वेंस ये आपका सिक्वेंस चल रहा है ओके okay? या yeah. आगे मूव करें i don't remember priyanka and the histories in this case any time attorney general get appointed previously there were lots of talented people in india so it was not required even to appoint the same person again after the retirement nowadays the talent is a little bit less government is unable to find the people to get appointed on such important position attorney general and all that is why uh, it is a problem that government has to appoint the same person again and again राइट और गवर्नमेंट हैज टू इंक्रीज द टेन्यूर ऑफ सेम पर्सन अगेन एंड अगेन विच वी आर ऑब्जर्विंग वेरी रेगुलर बेसिस ऑन अ वेरी रेगुलर बेसिस सोलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया इज मेहता सी ए जी है करेंट में गिरीश चंद्र मुर्मू सर सीजीए ऑफ इंडिया इज सोनाली सिंह एंड नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ऑफ इंडिया इज मिस्टर अजीत कुमार डोवाल सर तो ये हमारे पास अभी करेंट में इंपॉर्टेंट पोजिशन है वर्ल्ड लार्जेस्ट म्यूजियम ऑफ हरप्पा कल्चर टू बी सेटअप फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया विश्व का सबसे बड़ा हड़प्पा से रिलेटेड म्यूजियम जो है वो इंडिया के कौन से स्टेट में बनाया जाएगा करेक्ट आंसर है हरियाणा सो so, राखी गढ़ी इज द लार्जेस्ट हड़प्पन साइट लोकेटेड इन द वर्ल्ड विश्व की सबसे बड़ी हड़प्पा जो साइट है वो लोकेटेड है राखी हरियाणा में सेम साइट विल बी कन्वर्टेड इन द फॉर्म ऑफ वर्ल्ड लार्जेस्ट म्यूजियम ऑफ हड़प्पा बढ़िया क्वेश्चन था और अच्छा पॉइंट है जिकल सर्वे ऑफ इंडिया स्टार्टेड इवैक्युएशन और इवैक्यूटिंग ऑफ दिसेज फाइनली दे प्रॉपर कंप्लीट विलेज ऑफ राखी गढ़ी देर आर टू विजेस लोकेटेड इन द राखी गढ़ी रीजन रीजन दो विज मिले हरप्पा के वहां पर नेक्स्ट है फॉलोइंगली इनग्रेटेड लद्दाख स्क्रीन राइटर फेयर इन ले करेक्ट आंसर इज मिस्टर आर के माथो लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ लद्दाख सो लद्दाख को और ज्यादा इन्वॉल्व करने के लिए इंडस्ट्री के साथ में एंड टू इंक्रीज द जॉब क्रिएशन एंड ऑल विद द हेल्प ऑफ बॉलीवुड एंड द अदर फिल्म इंडस्ट्रीज इन इंडिया दिस दिस इवेंट वॉज कंडक्टेड ठीक आगे मूव करें हु वर्चुअली एंड द फाउंडेशन ऑफ वेरियस प्रोजेक्ट इन गुजरात वर्थ अमाउंट वन थाउजेंड टू हंड्रेड करोड़ रुपी रिसेंटली ऑन कंप्लीशन ऑफ वन ईयर वन ईयर चीफ मिनिस्टर ऑफ मिस्टर भूपेन्द्र सिंह पटेल तो भूपेन्द्र पटेल का भी एक साल पूरा हुआ अमित शाह ने ट्वेल्व हंड्रेड करोड़ रूप से जो है प्रोजेक्ट है उनको अभी रिसेंटली अप्रूव किया है आगे मूव करें द स्टेट गवर्नमेंट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज इनफॉर्म दैट India turned to be the power surplus nation. It means our power consumption is low, power generation is high now. So power surplus nation with the total installed electricity capacity over 4 lakh megawatt. So 4 lakh megawatts super hamara installed. Electricity capacity hai, while our uh, consumption is a little bit lower than that. 40%

अभी आया लगता है योगेश भाई आज थोड़ा नींद लेट खुली है चलो न्यूज नंबर वन गवर्नमेंट फॉर्म द एक्सपर्ट कमेटी वाई सो गवर्नमेंट फॉर्म एक्सपर्ट कमेटी फॉर द स्टार्टअप इन इंडिया फॉर द न्यू कंपनीज दे कैन गेट द स्केलेबल इन्वेस्टमेंट मैं रिपीट कर देता हूं द बजट ऑफ सेट हैज़ ट्वेंटी टू सेट अप एक्सपर्ट कमेटी बजट में हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर है उन्होंने कहा इन्वेस्टमेंट फ्रॉम द बिग इन्वेस्टर्स की जहां से स्टार्टअप के लिए जो फंडिंग है वो मोबालाइज की जा सके अच्छे से टू एग्जामिन एंड सजेस्ट एप्रोप्रिएट मेजर

21 committee 21 member committee for the market data advisory was formed under the chairmanship of Mr MS Sahu SEBI restructured secondary market advisory committee under the chairmanship of Mr J. Mahalingam Supreme Court appointed a committee to recover the money from NSEL defaulters Mr Pradeep Nandraj Jog was the chairperson गवर्नमेंट सेटअप कमेटी फॉर राइट टू रिपेयर वेरी इंपॉर्टेंट राइट टू रिपेयर विच इज द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू इंप्लीमेंट द लॉ ऑफ राइट टू रिपेयर पहला कंट्री कौन सा है विश्व right का जिसने राइट टू रिपेयर का लॉ इंप्लीमेंट किया है इंडिया में भी कमेटी बनी है सो निधि खतरी मैम इज द चेयरपर्सन ऑफ दिस कमेटी देन एम सिस्टम को दट सेंटर फॉर्म टू टू स्ट्रेंथन द एनएसपी सिस्टम इन इंडिया अ कमेटी फॉर्म्ड अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ मिस्टर संजय अग्रवाल हा भाई यूएसए करेक्ट आंसर है वेरी गुड सो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इज द फर्स्ट नेशन इन द वर्ल्ड टू इंप्लीमेंट राइट टू रिपेयर लॉ ठीक है राइट टू रिपेयर का लॉ जो है उसको इंप्लीमेंट किया गया है तो राइट टू रिपेयर लॉ इज लाइक दिस वो घर में होते ना मम्मी बोलती है कि यार हमारा बेटा बहुत बर्बाद है सुधरता ही नहीं है सुधरता ही नहीं है तो उसको सुधारने के लिए जो लॉ लाया गया है कि हाँ फाइनली वॉट यू कैन डू यू कैन रिपेयर है उसको सुधारा जा सकता है दैट लॉ इज एक्चुअली राइट टू रिपेयर इज इट ऐसा कोई लॉ है क्या राइट टू रिपेयर ओके मम्मी के प्रॉब्लम्स को कम करने के लिए राइट टू रिपेयर लाया गया कि सुधार ही देते हैं उसको आज हम सो एक्चुअली राइट टू रिपेयर लॉ इज रिलेटेड टू द द इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स द इलेक्ट्रिकल आइटम्स नाउ वट इज कंपनीज हैज टू शेयर द इंफॉर्मेशन ऑफ

जी ए इज द डिस्कशन ऑफ राउंड द इयर नॉट जस्ट टेन डेज बिफोर द एग्जामिनेशन दिस इज दिचुएशन स्टूडेंट ऑलवेज फेस इफ दे स्टार्ट जनरल अवेयरनेस फाइव टू टेन डेज बिफोर द एग्जामिनेशन राइट नो वॉट यू कैन डू इज सिलेक्ट द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स एंड रीड इट टॉपिक वाइज बैंकिंग एंड फाइनेंशियल न्यूज कंप्लीट कर लो एक बार में After that you can cover the national news in the second time. Third easy topic, Hutaapka appointment, record it on your mobile phone. listen it again and again. The appointments awards and these topics you guys can record on your mobile phone. And in the meanwhile free time while having lunch, dinner or walking with your friends, you can just pin it your earphones and you can listen it again and again. So few topics you can cover in this format. Few topics, national news, स्टेड इन न्यूज दीज टॉपिकॉपिक दोस्ट में आ, वो तो इतना बड़ा थ्री फोर मंथ का कि वो दो तीन, वो एक हफ्ते में कंप्लीट करना बहुत डिफिकल्ट होता है इक चलो आगे मूव करें आ जाए इस न्यूज पर Mr. Prakash Chandra appointed as India's ambassador to Eritrea. Eritrea is the country located in the African region, Eastern Africa, mein located with its capital as Asmara. Asmara is the capital and Nakfa is the currency. Nakfa currency, Asmara capital, capital currency will be important for the static GK. And who has appointed as the ambassador? Mr. Prakash Chandra appointed as the ambassador. Prakash Chandra सर वॉज द जनरल कंसल्टेंट वॉज द कंसल जनरल ऑफ इंडिया इन इंडोनेशियां इिचिया एज द एम्बेसिडर रिसेंट एम्बेसिडर की बात करें सो हाई कमिश्नर टू बांग्लादेश मिस्टर प्रणय वर्मा यूके मिस्टर विक्रम दौरा स्वामी थाईलैंड नागेश सिंह सर कैनेडा संजय वर्मा सर आफ्टर दैट कोरिया में साउथ कोरिया में अपॉइंट हुए मिस्टर अमित कुमार सीबी जॉर्ज फॉर जापान अच्छा नेपाल वाला बताएंगे अपॉइंटेड फ्रॉम इंडिया इज एंबेसडर टू नेपाल नेपाल में कौन अपॉइंट हुआ है सर इंडिया का एंबेसडर वो भी रिसेंट अपॉइंटमेंट्स में थे जरा जरा जोर डालो दिमाग पर आंसर निकाल कर बताओ उज्बेकिस्तान मनीष प्रभात बढ़िया भारती वेरी गुड नवीन श्रीवास्तव इंडिया टू नेपाल बेटा इंडिया टू नेपाल नवीन सर सही है नवीन श्रीवास्तवा हाँ ठीक श्रीवास्तव जी करेक्ट है शंकर प्रसाद शर्मा सर सृष्टि इस, इस, तुरंत हटा दिए शंकर प्रसाद शर्मा सर नेम इज नॉट अ प्रॉब्लम सर हैज़ बीन अपॉइंटेड फ्रॉम नेपाल टू इंडिया तो शर्मा जी नेपाल से इंडिया में अपॉइंट हुए राइट आगे आ जाओ इंपॉर्टेंट न्यूज रहेगा ये वाला ये वाला इंडियाज फर्स्ट फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी टू बी स्टैब्लिश इन तेलंगाना इंडिया का पहला फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी इंडियाज फर्स्ट फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी टू बी स्टैब्लिश इन तेलंगाना तेलंगाना हैज डिसाइडेड टू एक्सपेंड द फॉरेस्ट कॉलेज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट इन हैदराबाद फुल्ली प्लेस्ड यूनिवर्सिटी so it will be the first forest university see don't do not get confused in india we have lots of agriculture universities agriculture universities in india mein paas. even we have forest related college also forest research colleges but forest university in india is not there so it will be the first forest university in india which will be set up in telangana तेलंगाना लेजिस्लेटिव असेंबली द यूनिवर्सिटी ऑफ फॉरेस्ट्री एक्ट 2022 यूनिवर्सिटी ऑफ फॉरेस्ट्री विल बी फर्स्ट ऑफ इट्स इन कंट्री ओनली रशिया एंड चाइना द फॉरेस्ट यूनिवर्सिटीज इन द वर्ल्ड ग्लोबली दिस विल बी दर्ड यूनिवर्सिटी ऑफ फॉरेस्ट्री इन द वर्ल्ड वर्ल्ड का भी तीसरा यूनिवर्सिटी बनेगा इन द कैटेगरी ऑफ फॉरेस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज है राइट रशिया चाइना एंड आफ्टर दैट इन इंडिया में इसको सेटअप किया जाएगा हैदराबाद इज द कैपिटल के चंद्रशेखर राव चीफ मिनिस्टर है गवर्नर रिसेंट पॉइंट की अगर हम बात करते हैं सो रतन टाटा सर एंड इंडस्ट्रियलिस्ट ऑफ तेलंगाना मोस्ट रीसेंट टी हब ओपनिंग ही सपोर्टेड द टी हब ओपनिंग वॉज ऑसम एंड एन टीपीसी लिमिटेड एन टीपीसी लिमिटेड डिक्लेयर कमर्शियल ऑपरेशन डेट्स कमर्शियल ऑपरेशन डेट ऑफ द लास्ट पार्ट ऑफ दिटी ट्वेंटी मेगावॉट ऑफ हंड्रेड मेगावॉट ऑफ राम गुंडम सोलर पावर प्लांट राम गुंडम इज ऑल्सो वन ऑफ द नॉट द लार्जेस्ट वन वन ऑफ द लार्जेस्ट वन फ्लोटिंग पावर प्लांट फ्लोटिंग पावर प्लांट इन इंडिया सिमिलरली फ्यू मोर पॉइंट आर देर रिलेटेड टू तेलंगाना कुछ और पॉइंट है अभी रिसेंट की बात करें सो हैदराबाद लिबरेशन डे वॉज अप्रूव गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फ्रॉम ऑफ टिल सेवनटीन ऑफ सेटेंट है रिसेंट पॉइंट है तेलंगाना गवर्नमेंट हैज लॉन्च इज बीमा स्कीम एंड इंश्योरेंस स्कीम फॉर द हैंडलूम एंड पावर लूम वीवर्स नेक्स्ट है अगला न्यूज रिलेटेड टू ब्रदर ब्रदर मीन तेलंगाना न्यूज के बाद आंध्र प्रदेश सो आंध्र प्रदेश टॉप द लिस्ट Of attracting the industrial investment in the first seven months of 2022. So till date, till the first seven month data is here with us, till date, Andhra Pradesh gathered the investment of 40,361 crore rupee according to the report issues by Department of Promotion, Industry and Internal Trade. दे इश्यूज द डेटा डी पी आई आई डी इश्यूज द डेटा अकॉर्डिंग टू द डेटा द स्टेट विद द मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट अट्रैक्शन इन द फर्स्ट सेवन मंथ इन द इंडस्ट्रियल एरिया कैटिगरी आंध्र प्रदेश तो औद्योगिक क्षेत्र में सबसे ज्यादा निवेश लेने वाला जो राज्य है वो आपका आंध्र प्रदेश रहा पहले सातवें महीने में दो हजार बाईस के इन्वेस्टमेंट वॉज फोर्टी थाउजेंड थ्री हंड्रेड करोड़ रुपये अप्रोक्सिमेटली आंध्र प्रदेश एंड ओडिशा कंबाइंडली बैक फोर्टी फाइव परसेंट ऑफ टोटल इन्वेस्टमेंट दो स्टेट्स में चला गया आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में टोटल इन्वेस्टमेंट ओवरऑल इंडिया गॉट द इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट ऑफ वन लैख सेवेंटी वन थाउजेंड करोड़ रुपी टिल एंड ऑफ जुलाई टू थाउजेंड ट्वेंटी टू तो टोटल इन्वेस्टमेंट जो आया है आपका टोटल इन्वेस्टमेंट जो आया है दैट इज सेवेंटी फर्स्ट दैट इज वन लैख 71,000 करोड़ रुपी वॉज द टोटल इन्वेस्टमेंट उड़ीसा एट्रैक्टेडी 36,000 करोड़ उड़ीसा वॉज ऑन सेकंड पोजिशन आफ्टर आंध्रॉज ऑन सेकंड पोजिशन थर्ड नंबर पर है आपके पास गुजरात यूपी एमपी बिहार इनके अति पते नहीं है कहा इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट है ना दे नीड प्रॉपर पॉलिसी तो आंध्र प्रदेश कैपिटल अमरावती वाई एस जगनमोहन रेड्डी सर इज द चीफ मिनिस्टर विश्वभुवन हरिचंद्रन सर इज द गवर्नर ऑफ द स्टेट फोर्थ कैसे होगा बेटा हा महाराष्ट्र इज थर्ड सॉरी आई हैव मिस्ड महाराष्ट्र इज थर्ड गुजरात इज फोर्थ गुजरात इज फोर्थ सॉरी आई हैव मिस्ड ठीक महाराष्ट्र इज थर्ड गुजरात इज फोर्थ इन द लिस्ट सो आंध्र प्रदेश रिलेटेड फंड हैं आंध्र प्रदेश केम आउट विथ द एग्री इंफ्रा फंड बाय placing the strong emphasizes over the infrastructure development at the farm gate Andhra pradesh wildlife department began first ever study of black box along a length of state island in the godavari daleshwar and yaman yanam

What was launched? it was launched for the net zero carbon emission. that is what the zero is shunya. niti aayog hosted first shunya forum to commemorate the first anniversary of india's zero pollution e-mobility campaign in india. on the occasion, on this occasion, more than 25 niti aayog hosted. niti aayog hosted first shunya forum. द इंडिया जीरो मोबाइलिटी कैंपेन वियर इन डेली डेली में इन्होंने डेली में क्या किया है इसको सेलिब्रेट किया है सो थ्री रिपोर्ट सीरीज हाईलाइटिंग द इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी इन द इंडिजिनियसली बैटरी इंडस्ट्री प्रेजेंटेड बाई इंडिया प्रेजेंटेड बाई नीति आयोग एट दिस टाइम नीति आयोग ने इसको प्रेजेंट किया है ओवरऑल The motive is moving towards the electric mobility and zero pollution delivery, zero net carbon emission. Shunya is related to the opportunities in the electric mobility area. Shunya is related to the adoption of advantages of adoption of electric mobility in India and to support India to achieve the target of net zero carbon emission by the year 2017. This is what the Shunya is related to. जी ट्वेंटी शेर फॉर्मर नीति आयोग सीईओ अमिताभ कांत की नोट एड्रेस तो अमिताभ कांत सर ने भी इसको इन प्लेस ऑफ प्लानिंग कमीशन इट वॉज फाउंडेड न्यू डेली हेडक्वार्टर नरेंद्र मोदी सर चेयरमैन है सुमन केबेरी इज द वाइस चेयरपर्सन एंड मिस्टर परमेश्वर नरयर सर इज द सी ओ करेंट सीओ आयोग वर्क अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री पीयूष गोयल सर इज द मिनिस्टर नेक्स्ट न्यूज है अगला पॉइंट है नेक्स्ट पॉइंट है टाटा पावर टाटा पावर सोलर सिस्टम रिसीव एल ओ एफ फाइव थाउजेंड नाइन्टी सिक्स करोड़ रुपी फाइव हंड्रेड नाइनटी सिक्स करोड़ रुपी फ्रॉम एन एच डी सी प्रोजेक्ट एन एच डी सी इज नर्मदा हाइड्रो डेवलपमेंट कॉरपोरेशन हाइड्रो पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन दिस इज वॉट एन एच डी सी सो टाटा पावर सोलर सिस्टम सब्सिडरी ऑफ टाटा पावर रिन्यथिंग बट अ टाइप ऑफ एम ओ यू ऑनली हम तो एम ओ यू लेकर चलेंगे एक तरीके का एम ओ यू इन्होंने रिसीव किया है और दे हैव साइंड अ टाइप ऑफ एमओयू ऑफ़ 596 करोड़ रुपी फ्रॉम एनएचडीसी लिमिटेड विच इज अ विच इज कंपनी बेस्ड इन मध्य प्रदेश ओन्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश तो राज्य सरकार की ये कंपनी है मध्य प्रदेश की मध्य प्रदेश पावर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड मध्य प्रदेश पावर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड इज द रेगुलेटिंग अथॉरिटी ऑफ द एनएचडीसी लिमिटेड तो इनके बीच में एक तरीके से कोलॉबरेशन हुआ है ज्वाइंट वेंचर एन एच डी सी ज्वाइंट वेंचर ऑफ एन एच पीसी प्रदेश गवर्नमेंट है ओंकारेश्वर रिजर्वियर इन द खंडवा डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश टू मेक इट द लार्जेस्ट लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट इन इंडिया इंडिया का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट बनाने के लिए खंडवा डिस्ट्रिक्ट में इन्होंने प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था सो फॉर दैट टाटा सोलर पावर इज आल्सो गोइंग टू इन्वेस्ट 596 करोड़ रुपए तो 596 करोड़ रुपए ये भी इन्वेस्ट करने जा रहे हैं टाटा पावर अभी ओवरऑल न्यूज को हम यहां पर समराइज करें सो टाटा पावर सोलर सिस्टम इज गोइंग टू इन्वेस्ट 596 करोड़ रूपए इन द ओंकारेश्वर खंडवा डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट दैट इज दैट इज That is the largest, largest फ्लोटिंग सोलर पावर प्रोजेक्ट इन इंडिया इंडिया का सबसे बड़ा फ्लोटिंग पावर प्रोजेक्ट है 600, 600 megawatt के इसका वो है आपका कैपेसिटी मिस्टर खन्ना सीईओ ऑफ टाटा पावर रिनेबल टाटा रिलेटेड पॉइंट है सर फोर्थ एडिशन ऑफ टाटा स्टील चैथ इंडिया टूर्नामेंट वॉज हेल्ड इन कोलकाता फ्रॉम ट्वेंटी नाइन टू विल हेल्ड इन कोलका फ्रॉम ट्वेंटी दिसंबर टू नवंबर टू फोर्थ ऑफ दिसंबर देन टीपी रिन्यूएबल माइक्रोग्रेड होली सब्सिडरी ऑफ टाटा पावर एंड द स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया हैज पार्टनर्ड फॉर थाउजेंड था एनर्जी ग्रीन एनर्जी इंटरप्राइजेस थ्रू आउट द नेशन फॉर फॉर्मर चेयरपर्सन ऑफ टाटा टाटा सन मिस्टर साइरस मिस्त्री पास रिसेंटली इन अ कार एक्सीडेंट उसके बाद जो आपका कार का बैक सीट है उस पर भी सीट बेल्ट लगाना कंपलसरी हो गया है राइट उसके बाद कंपलसरी हो गया है टाटा एडवांस सिस्टम सक्सेसफुली डिलीवर्ड, लोकली डेवलप्ड क्यू आर एफ बी याद है किसी को क्यू आर एफ बी का फुल फॉर्म क्या है स्टूडेंट फ्रॉम पेड टीए हाँ भाई बहुत डिटेल में डिस्कस किया है आपके साथ ये सारे न्यूज मैंने क्यू आर एफ बी टू द इंडियन आर्मी द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ क्यू आर एफ बी मेड व्हीकल्स ऑफ इंडियन आर्मी वॉज सक्सेसफुली कंप्लीटेड क्विक रिस्पॉन्स क्विक रिस्पॉन्स फाइटिंग व्हीकल वेरी गुड क्विक रिस्पॉन्स फाइटिंग व्हीकल्स ठीक है नेक्स्ट है झारखंड बिकेम द थर्ड स्टेट झारखंड बिकेम द थर्ड स्टेट टू हैव फूड सिक्योरिटी एटलस सो आफ्टर बिहार उड़ीसा इन द ईस्टर्न इंडिया टू हैव द फूड सिक्योरिटी एटलस फ्रॉम द रूरल एरियाज़ For its rural area, Jharkhand will become the third Indian state in India. Odisha and Bihar had their atlas in 2018. Atlas is an effort toward the mapping of food security situation in the state. So, it is the atlas is just mapping that in which area the, the availability of food is good, crops, uh, production of the crops, everything is going fine. So, this is what the mapping of. ट द मैपिंग ऑफ फूड सिक्योरिटी एटलस सो झारखंड विल बी दर्ड स्टेट दिस फूड सिक्योरिटी एटलस विल बी प्रिपेयर ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट सो आई एच डी विल प्रिपेयर इट इन अंडर द इनिशिएटिव ऑफ इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट रिसर्च मुंबई सिंपल कर लेते हैं एक बार न्यूज को झारखंड तीसरा राज्य है जिनके पास इंफॉर्मेशन होगी कि हमारे राज्य के अंदर फूड सिक्योरिटी की क्या स्थिति चल रही है रिपीटिंग अगेन इन इंग्लिश झारखंड विल बी थर्ड स्टेट इन इंडिया टू हैव अ प्रॉपर नॉलेज डेटा रिलेटेड टू द एवेबिलिटी ऑफ द फूड इन द स्टेट और द इंप्लीमेंटेशन ऑफ फूड सिक्योरिटी एक्ट इन द स्टेट विद द डेटा प्रॉपर डेटा इट विल बी द थर्ड स्टेट द फर्स्ट टू स्टेट एंड ओडिशा तो बिहार और उड़ीसा पहले तो दो स्टेट थे तीसरा आपका झारखंड बना है झारखंड रिलेटेड भी पॉइंट्स आपके पास हैं सर जैसे किल्ड नोट बैको डे अवार्ड टू थाउजेंड ट्वेंटी टू सो वर्ल्ड नोट डे अवार्ड टू थाउजेंड ट्वेंटी टू के लिए झारखंड को अभी सिलेक्ट किया है डब्ल्यू टी ओ ने पेज नंबर वन पेज नंबर टू बस दो ही है आगे आ जाए नेक्स्ट है गवर्नमेंट शेयर इन द टोटल हेल्थ एक्सपेंडिचर विल इंक्रीज देखो आईबीपीएस भी कहीं ना कहीं आजकल ये वाले जो क्वेश्चन है वो ज्यादा पूछ रहा है गवर्नमेंट अचीवमेंट इज हाई सो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए द गवर्नमेंट शेयर यहां तक का पॉइंट सही चल रहा है सर चलो आगे मूव करें हम्म गवर्नमेंट टोटल एक्सपेंडिचर शेयर हैज इंक्रीज फ्रॉम 28.6 परसेंट इन 2013-14 टू 40.6 परसेंट इन 2018-19 तो 13-14 मींस प्रीवियस गवर्नमेंट 18-19 मींस करंट गवर्नमेंट सो दे आर जस्ट शेयरिंग द डेटा एंड द डिफरेंस इन द लास्ट इन द फाइव इयर्स डिफरेंस कि 28 परसेंट गवर्नमेंट का शेयर होता था हेल्थ केयर सेक्टर में उसको इंक्रीज करके फोर्टी पॉइंट सिक्स परसेंट कर लिया गया है इन द फाइव में एक्सपेंडिचर इंक्रीज हुआ है सो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ फैमिली गवर्नमेंट एक्सपेंडिंग ऑन दर इंक्रीज सिंस 2013-14 अभी बोल रहे हैं कि अगर करंट की बात करें तो गवर्नमेंट का जो जो इन्वेस्टमेंट शेयर होल्डिंग गवर्नमेंट स्पेंडिंग इन द ईयर 2013-14 थर्टीन 1042 रुपीस, नाउ पर कैपिटा गवर्नमेंट हेल्थ इज गवर्नमेंट इज डूइंग बेटर इन देल्थ केयर सेक्टर इज रिपोर्टिंग इट नेटी इज रिस्पांसिबल फॉर इंप्लीमेंटिंग द इंश्योरेंस स्कीम आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना Founded in the year 2018, Mr. R S Sharma is the CEO of National Health Authority in India. Next, India joined. India launched the joint white paper, joint white paper on urban water waste scenario in India with Denmark. Actually, there is a uh, there is a summit or meeting is going on, which is more important. World Water Congress and Exhibition 2022 conducted in which country? So Copenhagen. डेनमार्क में ये कंडक्ट हुआ है सो इट इज कंडक्टेड इन डेनमार्क एंड आर जल शक्ति मिनिस्टर गजेंद्र सिंह शेखावत तो गजेंद्र सिंह शेखावत ने इंडिया को रिप्रेजेंट किया है वर्ल्ड वाटर कांग्रेस एग्जीबीशन 2022 में सो इन दिस एग्जीबिशन दिस साइंस टाइप ऑफ एमओयू डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स जो यूज होती है मीनिंग इज ऑलमेज सेम ट इज द टाइप ऑफ ज्वाइंट व्हाइट पेपर का मीनिंग भी यहां पर यही है कि दे कोलाबरेड टूगेदर दिसं टाइप ऑफ एमओयू इन बिटवीन दैम फॉर फॉर द इन्वेस्टमेंट ओवर द वॉटर ट्रीटमेंट ऑफ द वेस्ट वॉटर इन इंडिया जो जो वॉटर वेस्ट वॉटर होता है ना उसके रीट्रीटमेंट के लिए और री रीयूज के लिए इंडिया ने अभी एमओयू साइन किया इंडिया कमिटेड इन्वेस्टमेंट ओवर वन फोर्टी बिलियन डॉलर बाय द इंड ट्वेंटी फोर इन द वॉटर सेक्टर सो विध द डेनमार्क दिस दिस एमओ यू हैज बीन साइन व्हाइट पेपर इज द रिजल्ट ऑफ इंडो डेनिस बायोलिट्रल ग्रीन स्ट्रेटेजी पार्टनरशिप विद द फोकस ऑन ग्रीन एनर्जी रिन्यूएबल एनर्जी वॉटर वेस्ट वाटर मैनेजमेंट तो इनके ऊपर काम करेंगे इंडिया और डेनमार्क साथ में मिलकर क्लियर है समझ में आया क्लियर है चलो आगे मूव करें नेक्स्ट ड्य जी ट्वेंटी प्रेसिडेंसी इंडिया इन्वाइटेड बांग्लादेश समिट इन दर टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री नो होस्टेड बाई इंडोनेशिया इंडिया विल बी गेटिंग द प्रेसिडेंसी जी ट्वेंटी इन दिसंबर टू थाउजेंड ट्वेंटी टू दिसंबर दो हजार बाईस में भारत को जी ट्वेंटी का प्रेसिडेंसी मिलेगा और इंडिया जी ट्वेंटी समिट टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री कंडक्ट करने वाला है एज अ होस्ट तो इंडिया ने क्या किया बांग्लादेश को एज अ गेस्ट मेंबर इनवाइट किया इंडिया के पास राइट्स हैं दे कैन इनवाइट आल्सो अपार्ट फ्रॉम अपार्ट फ्रॉम रेगुलर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन लाइक यू एन वर्ल्ड बैंक डब्ल्यू एच ओ एफएसबी टी वर्ल्ड रीजनल ऑर्गेनाइजेशन एयू एंड मल्टीपल अदर ऑर्गेनाइजेशंस लाइक एशियान इंटरनेशनल सोलर अलायंस सीडीआरआई दे ऑल आर एशियन डेवलपमेंट बैंक दे ऑल आर इंक्लूडेड इन द गेस्ट गेस्ट लिस्ट तो सब गेस्ट लिस्ट मतलब जितने पॉसिबल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हो सकते हैं दे विल बी देयर इन इंडिया इन द गेस्ट लिस्ट फॉर द जी ट्वेंटी सब आओ बढ़िया पैसा लगाओ बस अपना तो ये मोटिव है इन्वेस्टमेंट आना चाहिए सही चीज है उसमें कोई गलत नहीं है इन्वेस्टमेंट आना चाहिए फॉरन इन्वेस्टमेंट इज ऑलवेज इंपॉर्टेंट सो टू थाउजेंड ट्वेंटी टू में Uh, 23 में इंडिया होस्ट करने वाला है 20 मेंबर्स आर दियर अगर समिट्स की बात करें जी20 uh, समिट्स की अगर हम बात करें सो जी20 समिट लास्ट 2000 और uh, 2021 वाज इन इटली 22 इंडोनेशिया 23 ब्राजील 24 23 इंडिया 24 ब्राजील एंड 25 साउथ अफ्रीका तो ये आपके पास इंपॉर्टेंट पांच समिट्स हो गए नेक्स्ट है एयरटेल आईबीएम टाइडअप एयरटेल आई बी एम टाइडअप फॉर एज कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म फॉर लार्ज फॉर्म मारुति सुजुकी इंडिया लार्जेस्ट पैसेंजर कार मेकर इंटेंट टू यूज द एच प्लेटफॉर्म देखो ये एच प्लेटफॉर्म है अपना वाला एज है राइट right? अपन अपने पास भी होता था बोर्ड एज राइट सुपर बोलते हैं अपन so, इनका अलग है अपना अलग है Maruti Suzuki India's largest car maker company intend to use the edge platform to increase the accuracy efficiency for the quality inspection on the factory floor so IBM International Business Machine and Bharti Airtel tied up to deploy Airtel's edge computing platform so it is a computing platform which is automatic platform to do the uh, cross-verification test or uh, quality check better to use the quality check word so it will work on the quality check airtel edge computing platform in india include 120 network data center across the 20 cities 20 cities under it data center nextra digital so nextra digital is the name of uh, airtel edge computing platform तो 5G के ऊपर भी काम कर रहा है ये कंबाइंड विथ 5G 5G पर काम कर रहा है एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज इट इज अ टाइप ऑफ प्लेटफॉर्म विच प्रोवाइड अ टाइप ऑफ टेस्टिंग और क्रॉस वेरिफिकेशन क्वालिटी चेक प्रोवाइड करता है ये एयरटेल 1995 भारती सुनील भारती मित्तल सर वॉज द चेयरपर्सन गोपाल मित्तल एम डी एंड सीयू एंड फाइनली द कंपनी इज ग्रोइंग नाउ अब कंपनी ग्रो कर रही है ठीक है नेक्स्ट हो गया आपके पास आई आई एन एस सतपुड़ा आई एन एस सतपुड़ा रीज डारविन टू पार्टिसिपेट इन काकाडू एक्सरसाइज काकाडू एक्सरसाइज कंडक्टेड बाय द नेवी फोर्सेज ऑफ विच कंट्री सो काकाडू डिफेंस एक्सरसाइज कंडक्टेड बाय रॉयल ऑस्ट्रेलियन नेवी तो ऑस्ट्रेलियन नेवी कंडक्ट कर रही है होस्ट कर रही है काकाडू एक्सरसाइज को टू वीक लॉन्ग एक्सरसाइज इट इज Which will be conducted in Australia. The previous exercise, which was hosted by Australia, was pitch black 22. Pitch Black 22 was the previous exercise which was hosted by Australia and uh, in the Darwin ways of Australia. And this is the another exercise. INS satpura is participate. The other defense exercises are here. Robin Utappa announced the retirement from all form of Indian crickets. इंडियन क्रिकेट टीम इन टू थाउजेंड फिफ्टीन ऑल दो ही वॉज प्लेइंग सी एस के टिल टू थाउजेंड ट्वेंटी टू सेशन मतलब आई पी एल इन्होंने लगातार खेले हैं ही प्लेड ऑल द फिफ्टीन सेशन ऑफ आई पी एल पंद्रह के पंद्रह इन्होंने खेले हैं आई पी एल में सेशन ही प्लेड फॉर सिक्स टीम सी एस के मुंबई इंडियंस कोलकाता रॉयल चैलेंजर्स पुणे राजस्थान रॉयल्स सबके लिए इन्होंने खेला हुआ है रॉयल चैलेंज आर के लिए भी खेला है सारे टीम्स के लिए ऑलमोस्ट छह टीम्स के लिए इन्होंने खेला है अपने फिफ्टीन ईयर्स सेशन ऑफ आईपीएल आईपीएल में एंड फाइनली ही हैज रिटायर्ड तो अभी इन्होंने रिटायरमेंट ले लिया हियर यू हैव द लिस्ट ऑफ क्रिकेटर लाइक बैन स्ट्रोक हैं दिनेश रामदीन है तमीम इप, इकबाल मिस्टर साइमन मॉर्गन हफीज रॉस टेलर सो इनका कंट्री और इंटरनेशनल क्रिकेट है बेसिकली प्लेयर नेम एंड द कंट्री नेम इज इंपॉर्टेंट आपसे प्लेयर का नाम और कंट्री का नाम पूछ लिया जाता है ठीक तो इन्होंने अभी रिसेंटली रिटायरमेंट लिया लास्ट टू ऑफ पॉइंटीबर ऑब्जर्व एज इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी नाउ नाउड इवन द कंट्रीज लाइक अफगानिस्तान है एंड नॉर्थ कोरिया दे आर काउंटेड अंदर द डेमोक्रेटिक कंट्री आपको पता है कल मैं चेक कर रहा था हाउ मेनी डेमोक्रेटिक कंट्रीज आर देयर इन द वर्ल्ड तो उसमें नाम आ रहा था अफगानिस्तान का भी आ रहा था और आपका नॉर्थ कोरिया का भी आ रहा था दे आर द डेमोक्रेटिक कंट्री चलो थीम पर बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ मीडिया फ्रीडम टू द डेमोक्रेसी पीस डिलीवरिंग द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इंपॉर्टेंस ऑफ मीडिया फ्रीडम फ्रीडम ऑफ मीडिया इज वेरी इंपॉर्टेंट गाइज इट्स रियलिटी बट इन फ्यू कंट्रीज द मीडिया इज कंप्लीटली बिकेम द पपेट ऑफ गवर्नमेंट गवर्नमेंट ऑफ दैट नेशन ऐसे कुछ देश हैं जहां पर मीडिया लगभग लगभग ऑलमोस्ट पपेट बन गया है किसका गवर्नमेंट का दे से वॉट एवर द गवर्नमेंट वॉन्ट देम टू से तो ये प्रॉब्लम ये है मीडिया अगर फ्री नहीं होगा मीडिया इंजीनियर्स डे इसको इंजीनियर्स डे के फॉर्म में भी सेलिब्रेट किया जाता है इंजीनियर्स डे के फॉर्म में भी सेलिब्रेट किया जाता है मैंने थोड़ा सा मिक्स कर दिया एक्चुअली सो so, ये न्यूज नीचे वाला चेंज नहीं हुआ है आपका इंजीनियर्स डे के फॉर्म में भी सेलिब्रेट किया जाता है फिफ्टींथ से so आप सबको हैप्पी इंजीनियर्स डे कल के लिए प्लीज डू लाइक द सेशन सब्सक्राइब द चैनल इफ यू आर वॉचिंग फॉर द फर्स्ट टाइम प्लीज डू नॉट लीव विदाउट लाइकिंग द सेशन ऑल्सो डू नॉट फॉरगेट द कूपन कोड आदित्य टू सजेस्ट योर फ्रेंड्स इफ दे वॉन्ट टू ज्वाइन एनी टाइप ऑफ प्रोडक्ट दे टू एनी टाइप ऑफ प्रोडक्ट ऑफ बोर्ड हर एक प्रोडक्ट पर कोड एप्लीकेबल है विद मैक्सिमम डिस्काउंट एंड आदित्य सर एज ठीक चलिए आई विल मीटिंग यू गाइज बैक इन द नेक्स्ट सेशन आई बी मीटिंग यू बैक इन नेक्स्ट सेशन एंड दैट विल बी टुमारो मॉर्निंग एंड टुमारो वी हैव ऑल से बोर्ड जय हिंद